अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। और अभी है दोपहर का टाइम, मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। सब्ज़ी सिर्फ गोभी जो है अक्सर करके मैं, मेरा हस्बैंड और बेबी खाते हैं, और बच्चे और मेरा बेटा नहीं खाता। तो आज मेरा दिल कह रहा था कि आज गोभी बनाएं, तो गोभी जो है अकेली नहीं है, इसके साथ मैंने शिमला मिर्च और जो है गाजरें डाली हैं। तो मैंने प्याज ब्राउन करके और उसमें सारे मसाले और ये मिक्स सब्ज़ी डाल दी, और अब थोड़े से ढकना दे दिया, आंच को हल्का कर दिया है। तो आंच हल्का करके मैंने इसको रख दिया। अब जो है 5 मिनट के बाद फिर मैंने इसको घुमाया है और थोड़ी से थोड़ा सा मिश कर दिया। और मेरे बेटे के लिए जो है यहाँ पर आलू फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते गोभी और मेरा बेटा भी, तो उसके लिए जो है ये आलू फ्राई बेबी कर रही है। और मैं यहाँ पर जो है गोभी बना रही हूँ, जो कि आधी बिल्कुल ही पक गई है समझे ऐसे, और अपनी स्टीम में ही पक गई है। और टमाटर और मसाले सब कुछ डालकर मैंने इसको हल्की आंच पर रख दिया था, तो ये हल्की आंच पर ही पक रही है। और हर किसी का सब्ज़ी बनाने का अपना अपना तरीका है। हाँ, बस मैं चाहती हूँ कि गोभी के पीस जो है ये आलू फ्राई हो रहे हैं, और मैंने यहाँ पर जो है गोभी बिल्कुल ही रेडी कर ली, तैयार कर ली, और इसमें मैंने हरी धनिया भी डाल दी है, सारी पक गई है। और इसमें मैंने जो है मेथी जो है कसूरी मेथी ये वो डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी अच्छी हो जाती है। अब इसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया, ये गोभी पक गई। और अब मैं ये जो सामान पूरा बिखरा हुआ है इसको सेट कर रही हूँ। आलू भी बन गए और गोभी जो है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी है। यहाँ पर जो है मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ, और ये फातिमा बैठी हुई है, बच्चे मेरे रूम में कार्टून देख रहे हैं। अजवा और मोहम्मद अरिश जो है बहुत शौकीन है कार्टून के, और फातिमा भी मेरे पीछे लग के आ गई। ये भालू को कह रही है कि भालू को आंख में दर्द है, दिखा रही है आ इसके, इसकी आंख नहीं है, इसको दर्द है। फातिमा इसको देखकर रो रही है कि इसको यहाँ पर दर्द है। तो मैंने कहा इसको दर्द नहीं है, ये कपड़े का है, लेकिन नहीं वो फिर भी रो रही है। और ये आ गई है मेरे पास आलू को लेकर, इसको भालू को लेकर ये दिखा रही है बार बार के इसकी आंख नहीं है, और इसकी टोपी भी जो है ऐसे ही जो है निकल गई है, मुझे ठीक करके दो। तो बस बच्चों को कौन समझाए जब अपने घर पर आ जाते हैं तो, और जब मैं आ गई तो ये बच्चे फिर ये ऐसे लेट कर और टीवी देख रहे हैं। ये होती है हमारे दिन की रूटीन। एक सोता पे आओ भैया, ऐसे होए रे, एक सोता पे आओ। तो मैंने कहा, मैं कह रही हूं उनको कि ये कह रहे हैं कि ना तू तकलीफ पे करी ना, ऐसे हमें टीवी जो है दे रही है। दुई ने अल्लाह अल्लाह बोला है, सोता पे आओ। कार्टून के लिए बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो चले जी, खाना भी आ गया है। ये है मिक्स गोभी, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। और ये जो है फातिमा भी आ गई है, अजवा जो है रोटियां लेके आ रही है। अब जो है सारे काम बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, वही करते हैं, वही रखते हैं। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी सी जो है सालन लेके खाती हूँ, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है,
फिर मजा नहीं देती। हम कैसे खाते कुछ कोचे तो माता मुझे जाते हो हां हम खिलाते घर में जाना है तकलीफ से मां दादा दादा जना बटो दादा जी को फोन किन से असर तुम कोई दे मां जो दिन और फातिमा भी पापा से कह रही है कि पापा सब्जी खाओ और बहुत अच्छी सब्जी बनी है। आलू तो आलू बड़े खाई फातिमा कैसे कर रही है और बस इनके पापा और फातिमा के पापा यानी के और मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस की बातें कर रहे हैं और बेटे के लिए आलू भी आ गए हैं। मैंने कहा कि पहले खाना खाएं और फिर बातें करें। बस जी खाना खा लिया है हमने और अजवा जो है आज जा रही है अपनी फ्रेंड के घर। पता नहीं क्यों इनवाइट किया है हमें तो पता नहीं रही है। और फिर हमने फिर हमने भेजा है अरीश को उसके साथ बॉडीगार्ड बनाया। हाँ बॉडीगार्ड नहीं तो अरे जो है सोलंकी फैमिलियों में बच्चियों को से नहीं छोड़ते। हाँ नहीं छोड़ते। हाँ इसके पापा जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए। और ये भी जा रहे हैं लेकिन ये अपने काम से जा रहे हैं। और ये देखे फातिमा फातिमा ने खुद पहनी है। अरे जिगरो मुझो मुझे मिठो ऐसे रेडी हो गए हैं जैसे पहली बात में जा रहे हैं। छा क्यों हाँ चलो जाए हम ना दिन में भी यहाँ ताला लगा देते हैं क्योंकि हम अंदर होते हैं और ये जो है लाक इस तरह से हैं इसके गेट बने हुए हैं। ये ऊपर भी हमने इसको बनवाया है वरना छोटा गेट था यहाँ तक तो इसको ताला लगा देते हैं क्योंकि बाइकें वगैरह बाहर खड़ी होती हैं। कल भी जो है यहाँ मस्जिद से पेशमाम यानी मौजन की जो है बाइक लेकर गए हैं बिल्कुल न्यू अभी ली थी फजर के टाइम में। पता नहीं कौन फजर में इतना जागता रहता है नमाजियों का भी ख्याल नहीं है तो इसलिए हम जो है इसको ये जो है लाक ही लगा देते हैं। और इसका ये हिस्सा जो है ये हमने लगवाया है यहाँ तक थी गेट ये यहाँ तक अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने वजू किया है मैंने। और है रात का टाइम और हम जा रहे हैं हमारे फैमिली टर्म से मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं उनके घर। अक्सर करके हम रात उनके घर जाते हैं क्योंकि वो घर में जो है बिजी लोग होते हैं उनका अपना जो है कारोबार होता है तो इसलिए सब जो है घरों से बाहर होते हैं जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलें तो सब घर में हो तब चलें तो अभी हम जा रहे हैं मुशहरी शरीफ पहुँच चुके हैं। ये मैं भी और मेरा बेटा भी है ये भी जा रहे हैं हम भी हैं। मैंने कहा रात के टाइम आपको ये भी वो दिखाऊं और ये हालत देखें कराची के रोड रस्तों की। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर गपशप में मेरा पुटिया जा रही है आत्मा वजन कम हो गया तुम्हारा क्यों। और ये उनकी बच्ची है अजवा से थोड़ी बड़ी है। बस हम बस वहाँ से निकला है दो तीन घंटे बैठकर तकरीबन एक बज चुका है। एक बजे निकले फिर घर पहुँच चुके हैं।